महाविकास आघाड़ी सरकार ने बांटिया आयोग धीरे चलने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते बांटिया आयोग डेटा जमा करने की बजाय मात्र नेताओं के बयान लेकर समय को बर्बाद कर रहा है। ऐसा आरोप पत्र परिषद में राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने लगाए हैं। जून माह तक ओबीसी आयोग एम्पेरिकल डेटा जरूर देगा, ऐसा विधान राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इन्होंने किया था। इस पर चुटकी लेते हुए पत्र परिषद में चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने कहा कि ऐसा कहकर महाविकास आघाड़ी सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ओबीसी का एम्पेरिकल डेटा जमा करने के लिए 11 मार्च को बांटिया आयोग की स्थापना की गई है। अब तक के बांटिया आयोग ने एम्पेरिकल डेटा जमा करना था, गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर ओबीसी की जनसंख्या कितनी है इस पर अमल करने की पूरी जानकारी इकट्ठा करना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। करने का प्रयत्न महाविकास आघाड़ी सरकार कडे झाला आहे। जून महिन्यात ओबीसी चा एम्पेरिकल डेटा बांटिया आयोग देणार असं उपमुख्यमंत्री म्हणतात। 11 मार्चला बांटी आयोग तयार झालं, त्या दिवशीपासून पहिलं काम बांटी आयोगाचं होतं की स्थानिक स्वराज्य संस्था न्याय एकूण लोकसंख्येच्या ओबीसी जनसंख्या किती आहे याचा तातडीनं स्थानिक स्वराज्य संस्था न्याय डेटा तयार करण्याचं काम हे बांटी आयोगाचं होतं, पण बांटी आयोगाने ते काम न सुरू करता हिअरिंग सुरू केल्या। हिअरिंग या शेवटी घ्यावं लागतात, कुणाचं मत घ्यायचं तर शेवटी घ्यावं लागतं। पहिलं तर काम त्यांनी सुरुवात करताना वार्ड निहाय, ग्रामपंचायत निहाय, ओबीसी जनसंख्या किती याबद्दलची यंत्रणा कामात लावायला पाहिजे होती। माझा स्पष्ट आरोप आहे, या सरकारनी बांटिया आयोगाला गोस्ट लो केलाय, या सरकारनी बांटिया आयोगाला अलिखित आदेश दिले की पत्र परिषद में चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने आगे कहा कि बांटिया आयोग ने पहले दिन से डेटा न जमा करते हुए डायरेक्ट सुनवाई लेना शुरू किया है, जबकि सबसे पहले डेटा जमा करने के बाद सुनवाई लेना था। इससे साफ जाहिर होता है कि बांटिया आयोग भी एम्पेरिकल डेटा को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार की कठपुतली बना दिखाई दे रहा है। हे सरकार करता है, माझी मागणी आपल्या माध्यमातून आहे कि महाराष्ट्रातल्या ओबीसी मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ आजच्या तयार करून, आज या शिष्टमंडळाची घोषणा करून मध्य प्रदेश सरकारकडे यांनी गेलं पाहिजे आणि मध्य प्रदेश सरकारच्या डॉक्टर सुरंजनी त्या ठिकाणी जो 650 पानाचा अहवाल तयार केला आणि त्या अहवालावर डॉक्टर सुरत खोदरेशी चर्चा करून, तिथल्या माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करून, त्यांच्याकडनं प्रशिक्षण घेऊन वापस आलं पाहिजे आणि महिन्याभराच्या आतमध्ये एम्पेरिकल डेटा हा ग्रामपंचायतनिहाय वार्डनिहाय करून हा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाला लवकरात लवकर दिला पाहिजे। 3 दिवसाच्या आज जर ओबीसी मंत्र्याचं शिष्टमंडळ मध्य प्रदेशला गेलं नाही तर यांना मंत्रीपदावर राहायचा अधिकार नाही, या सर्व ओबीसी मंत्र्यांनी राजीनामे दिले पाहिजे अशी मागणी मी करतोय। एम्पेरिकल डेटा को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने छगन भुजबल, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, हसन मुश्रीफ जैसे ओबीसी नेताओं का एक शिष्टमंडल जल्द से जल्द मध्य प्रदेश भेजना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया गया 650 पेज का अहवाल की पढ़ाई कर सके। मध्य प्रदेश सरकार ने एम्पेरिकल डेटा कैसे जमा किया है ये देखकर ठीक उसी तर्ज पर ओबीसी का एम्पेरिकल डेटा तैयार करे। यदि राज्य सरकार 3 दिन के अंदर शिष्टमंडल को मध्य प्रदेश में नहीं भेजता है तो सरकार के ओबीसी मंत्रियों ने अपना राजीनामा देना चाहिए। देखिए, फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने झूठा स्टेटमेंट किया, ओबीसी समाज के लिए फंसाने का स्टेटमेंट किया कि 30 जून तक हम डेटा तैयार करेंगे, ये कर नहीं सकते। 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेटा तैयार करो,
आप 4 मार्च 2021 का सुप्रीम कोर्ट का 12 नंबर का 12 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है 12 नंबर पॉइंट पे कि राज्य सरकार ने डेटा कैसा तैयार करना चाहिए, वार्ड वाइज ग्राम पंचायत वाइज कैसा कैसा वोटर लिस्ट में टिक मार करनी चाहिए, टैक्स रजिस्टर से कैसा करना चाहिए, सारा बताया गया। लेकिन फिर एक बार झूठ। अब बांटी आयोग तैयार किया 11 मार्च को, मुझे लगता है बांटी आयोग को भी इन लोगों ने गो स्लो करने का ऑर्डर दिया है, अलिखित आदेश दिया है, ये मेरा आरोप है आज सरकार के ऊपर। इसलिए आरोप है कि बांटिया आयोग को अगर काम करना था तो बांटिया आयोग ने सबसे पहले वार्ड लिया है, ग्राम पंचायत लिया है, जनसंख्या में कितनी ओबीसी जनसंख्या है ये निकालने का काम चालू किया रहता। बांटिया आयोग ने वो काम चालू नहीं किया, बांटिया आयोग ने नेताओं की हियरिंग चालू की है, क्या फायदा इससे। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे।